नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। करंट अफेयर्स की टाइमिंग डेली 5 बजे है। आप सभी के कई सारे मैसेजेस आते हैं कि सर करंट अफेयर्स कितने बजे डालते हैं हम। भाई मैं तो 5 बजे डाल देता हूं, लेकिन आप कब देखते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाल फिलहाल देखा जाए तो आज के करंट अफेयर्स में कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है। करंट अफेयर्स थोड़ा सा लंबा होने की भी गुंजाइश है और इसकी वजह यह है कि काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आज है, तो पूरा करंट अफेयर्स देखना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। भाई कहना मेरा काम है, मैं कह देता हूं, करना तो आपको अपने मन की है। तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसके बारे में बात करते हैं। अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार उसमें निजी भागीदारी डालने जा रही है। कई सारे लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसरो में निजी भागीदारी जाने वाली है या क्या होने वाला है, इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके लिए एक बाकायदा एजेंसी का गठन किया गया है, उस एजेंसी का नाम यहां पर पूछा जा रहा है। तो फिलहाल शुरू करने से पहले आज तारीख है 27 जून, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आज के वीडियो का हम टारगेट रखते हैं, भाई माई पाठशाला पे तो कम चल रहा है, लेकिन माई पाठशाला पे भी कोशिश करिए कि ज्यादा चले। लेकिन हां, आपका पाठशाला रेलवे पे 5 से 6 हजार लोग इसको रोज देख लेते हो, तो अगर 2000 लाइक मैं मांगता हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो 2000 लाइक आप कर सकते हो। और अब माफी चाहूंगा आपका थोड़ा सा समय बर्बाद करने के लिए, लेकिन अपनी बात भी तो कहना जरूरी है भाई, अपना प्रॉफिट भी तो देखना जरूरी है। पहली जानकारी की तरफ चलते हैं। पहली जानकारी उन लोगों के लिए अच्छी है जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किसी भी तरह का लोन लिया था, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने शिशु लोन लिया था। शिशु लोन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले न्यूज पढ़ लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सभी शिशु ऋण खातों में 12 महीने की अवधि के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड, 12 महीने की अवधि के लिए 2% ब्याज सब्सिडी योजना मंजूरी प्रदान की है। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो लोन बांटे गए थे उसका एकीकृत जो निकाय है वो तो सिडबी है, लेकिन कौन कितना परसेंट ब्याज देगा ये देने वाले जो भी लोन आपको दे रहे थे बैंक, उन पर डिपेंड किया था। लेकिन मैक्सिमम ब्याज दर इसकी 12% है। 12% से अधिक ब्याज कोई भी बैंक वसूल नहीं सकता है। बाकी ये वेरी कर सकती है कितने बैंक अपने ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तो सरकार ने देखा कि ये जो गरीब जिन्होंने शिशु लोन लिया होगा, मतलब कि कम अमाउंट का लोन था, तो फिर ये जो लॉकडाउन हुआ उसके दौरान उनका जो व्यवस्था थी, जो उनका बिजनेस था, वो कहीं ना कहीं चौपट हुआ, वो कहीं ना कहीं परेशान हुए, ऐसे में वो लोन चुकाने की स्थिति में नहीं है, जिसके लिए सरकार उन्हें 12 महीने के लिए 2% जो ब्याज होगा उनका वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसे 2% ब्याज सब्सिडी योजना कहा जा रहा है। ऋण सब्सिडी योजना का उद्देश्य कोविड-19 के महामारी के कारण छोटे व्यापारियों को हुए नुकसान से राहत प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले शिशु ऋण का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्योगों को आर्थिक मदद करना था। योजना उन ऋणों पर ही लागू की जाएगी जिन ऋणों का भुगतान 31 मार्च 2020 तक बकाया था। ऐसा नहीं कि 31 मार्च 2020 से पहले अगर आपने लोन चुका दिया है तो भी आप 2% ब्याज की मांग करने लगेंगे, नहीं, अगर उससे पहले तक आपका बकाया था तो आपको यहां पर मिलेगा। दूसरा यह है कि अगर 31 मार्च 2020 को तथा योजना के परिचालन अवधि के दौरान अगर एनपीए हो गया है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया है, बैंकिंग भाषा में कहें तो जिस लोन की 3 महीने तक किस्त नहीं आती है उसे बैंक वाले बट्टे खाते में डाल देते हैं, यानी उसे ये बता देते हैं कि इस रकम से पैसा नहीं आ रहा, तो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट या गैर निष्पादित संपत्ति कहा जाता है, परिसंपत्ति कहा जाता है। तो अगर एनपीए नहीं हुआ होगा तो ही आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, और इसमें वे ऋण भी शामिल किए जाएंगे जिन्हें, मान लीजिए एक बार आपने एनपीए करवा लिया और फिर उसके बाद आपने वापस से उसको सही ट्रैक पे ले आए तो भी आपको यहां पर इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना की अनुमानित लाभ जो लागत आएगी वो लगभग 1542 करोड़ रुपए आने वाली है। बात करें तो केंद्र सरकार ने छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत अप्रैल 2015 में की थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का पूरा नाम माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी यानी कि मुद्रा MUDRA है, फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। और ये जो कर्ज आपको मिल रहा है इसका पीछे जो क्रियान्वयन एजेंसी है वो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। मुद्रा योजना का संबंध सिडबी बैंक से है, इसको याद रखिएगा। अभी एक और योजना आई थी जिसका संबंध मैंने सिडबी बैंक से बताया था, वो थी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना।
स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, जिसमें 10,000 रुपए स्ट्रीट वेंडर वालों को दिए जाने वाले थे, और ये योजना भी जो क्रियान्वयन करने वाली है वो सिडबी करने वाली है। सिडबी के वर्तमान समय में हेड मोहम्मद मुस्तफा है। मुद्रा में तीन तरह के लोन दिए जाते हैं, जैसे शिशु लोन में आपको 50,000 रुपए तक के कर्ज मिलेंगे, किशोर लोन में आपको 50,000 से 5,00,000 रुपए तक का कर्ज मिलता है, जबकि तरुण लोन में आपको 5,00,000 रुपए से 10,00,000 रुपए तक मिलता है। तो अभी ये जो ब्याज सब्सिडी योजना आई है, 2% ब्याज सब्सिडी योजना, वो सिर्फ और सिर्फ शिशु लोन वालों के लिए ही है। आई थिंक ये न्यूज कंप्लीट हो गई है, हमें अगली न्यूज की तरफ चलना चाहिए। भारत में टीबी की रिपोर्ट जारी की गई है। टीबी यानी कि क्षयरोग, जिसे तपेदिक भी कहा जाता है, विश्व में सबसे ज्यादा जानलेवा संक्रामक बीमारियों में से एक है। हाल फिलहाल इस रिपोर्ट में जो आंकड़े आए हैं वो थोड़े से अच्छे हैं, क्योंकि कई सारे राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का निर्णय लिया है। मैं दुनिया भर की बातें बता दूं, लेकिन ये जो एक लाइन अभी अभी मेरे मुंह से निकली है, ये हो सकता है कि आपका किसी एग्जाम का क्वेश्चन बन जाए, कि भारत ने कब तक टीबी को पूरी तरीके से समाप्त करने का निर्णय लिया है, तो 2025 तक। जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के आधार पर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल 2030 तक है, यानी कि हम उससे पहले ही, 5 साल पहले ही हम टीबी को खत्म करना चाहते हैं। टीबी के बारे में रिपोर्ट पहले पढ़ लेते हैं, फिर टीबी के बारे में बात करते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की है। किसने जारी कर दी? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। राज्य टीबी सूचकांक में स्कोर के आधार पर गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में अच्छे प्रदर्शन वाले शीर्षतम 3 राज्य बने हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। जबकि 50 लाख से कम आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में त्रिपुरा, नागालैंड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में चुना गया है। भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि 2030 तक वैश्विक लक्ष्य से 5 साल पहले ही 2025 तक देश को तपेदिक यानी कि टीबी से मुक्त कराने की जुगत में लगा हुआ है और टीबी से दूर कराने के लिए तत्पर है। टीबी के बारे में बात करते हैं। टीबी को इंग्लिश में ट्यूबरकुलोसिस या फिर क्षय रोग या तपेदिक कहा जाता है। यह फेफड़ों से संबंधित बीमारी है और यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलती है, यानी कि जीवाणु से फैलती है। यह वायरस से नहीं फैलती, ये जीवाणु से फैलती है। जीवाणु और वायरस में बहुत अंतर होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? चेस्ट में पेन होना शुरू होता है, और सबसे खतरनाक बात टीबी की यह है कि जब ये लगभग अपने ऐसे स्तर पर पहुंच जाती है जो अपने आप ठीक नहीं होने वाली, तब जाके इसके लक्षणों का पता चलता है। कफ में खांसी आती है, कफ में खून आना शुरू हो जाता है, चेस्ट में पेन होना है, कभी कभी बुखार भी आता है, और कभी कभी वेट लॉस भी लगातार होता चला जाता है, यानी कि जो वजन है वो आदमी का गिरने लगता है। कॉज क्या होते हैं? वैसे तो ये संक्रामक बीमारी है, अगर आपके कुछ जंप भी चले गए, थोड़े से भी जीवाणु चले गए, किसी ऐसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आप आ गए, मान लो उसने छींक भी दिया, वो एयर ड्रॉप्स आपके हाथ में आ गए, या किसी तरीके से वो जो आपके वाटर ड्रॉप्स थे, उसने जो छींका है उसके जो वाटर ड्रॉप्स है वो आप तक आ गए, तो टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेंजर क्यों है? इसलिए डेंजर है क्योंकि हर साल लगभग 10 लाख लोग टीबी से बीमार होते हैं, 10 मिलियन लोग बीमार होते हैं, और जबकि 1.5 मिलियन यानी कि लगभग 15 लाख लोग इससे मर जाते हैं। तो ये दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है, और खासकर उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है जिनको HIV या HIV का बड़ा रूप एड्स है, और एड्स होने पर टीबी बड़े आसानी से पकड़ लेता है क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। आधे से ज्यादा केस दुनिया के आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेंगे, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेंगे। ये वो देश हैं जहां पर टीबी का प्रकोप सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रकोप इसका बांग्लादेश में है। मेडिसिन की बात करें तो आइसोनी एजिड नाम की एक मेडिसिन आती है, और रिफामपिसिन नाम की एक मेडिसिन आती है जो टीबी के लिए काफी ज्यादा कारगर है, और फर्स्ट स्टेज के टीबी के लिए यह दवा बहुत ज्यादा कारगर होती है। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है ताकि टीबी के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, और इस बार इसकी जो थीम रही है वो है इट्स टाइम। इसको डिसाइड करता है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगली जानकारी पर चलते हैं, और यह जानकारी है कि किस तरीके से निजी भागीदारी को अंतरिक्ष गतिविधियों में बढ़ावा देने की बात की जा रही है। वह अच्छा भी है, जैसे कि इसरो के पास कई सारे काम होते हैं और उसे
दुनिया को अंतरिक्ष के बारे में जानकारी भी देनी होती है और बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनाने होते हैं, साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना होता है, साथ में जो स्टूडेंट्स नई आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एग्जाम कंडक्टिंग कराना होता है, तो बहुत सारी चीजें वहां पे इसरो को करनी पड़ती हैं। ऐसे में इसरो का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर रहे, उसकी जो शाखा है जिसके जरिए वो थोड़ा सा पैसा कमा सकते हैं उस पर उनका ध्यान रहे, इसके लिए अंतरिक्ष की कुछ गतिविधियों में अब निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। तो एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र यानी कि इन स्पेसिस का नाम रहेगा, एक नया केंद्र बनेगा, एक नई एजेंसी बनेगी और इसका नाम रहेगा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर, फुल फॉर्म जरूर याद रखेगा। इसे अंतरिक्ष गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने की मंजूरी दी गई है। साथ ही इससे न केवल इस क्षेत्र में तेजी आएगी बल्कि भारतीय उद्योग विश्व के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है भारत की अगर बात करें तो भारत के अंतरिक्ष क्षमता, हमने कहीं कुछ किया हो चाहे ना किया हो लेकिन हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। ऐसे में जो भारत का अंतरिक्ष व्यापार हो सकता है वो आगे जा सकता है, कई सारे देश हमारे साथ व्यापार करने में जुड़ सकते हैं और अंतरिक्ष में जा सकते हैं, तो इसके लिए सिर्फ इसरो ही अकेले से नहीं संभाल पाएगा और इसके लिए निजी क्षेत्र में अगर भागीदारी आएगी तो प्रतिस्पर्धा होगी, साथ साथ कुछ मामलों में जिनमें इसरो काफी पीछे रह जाता है उनमें थोड़ा सा तेजी आएगी, फंड एलोकेशन वगैरह सही तरीके से होने लगेंगे, साथ साथ इसरो का जो भार है, सबसे बड़ा मोटिव यही है कि इसरो के ऊपर जो भार है बहुत सारी अन्य चीजों का, वो हटाकर उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में डाला जाए। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में यह सुधार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, नई प्रौद्योगिकियों, खोज मिशनों और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों पर अधिक फोकस करने में सक्षम बनाएगा। लेकिन जहां इसके कुछ फायदे हैं वहां उसके नुकसान भी हैं। निजी क्षेत्र और भारत की बात करें तो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका अभी तक काफी सीमित ही रही है, सिर्फ कम महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही निजी क्षेत्र की सेवाएं ली जाती रही हैं। उपकरणों को बनाना, जोड़ना और परीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य अब इसरो द्वारा ही किए जाते हैं। अब तक उल्लेखनीय है कि बीते वर्ष न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जिसे एनसिल भी कहा जाता है, आधिकारिक रूप से बेंगलोर में उद्घाटन किया गया था, जो इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है, यानी कि इसरो की एक बिजनेस फर्म है और इसरो इसके जरिए बिजनेस कर रहा है। आई थिंक ये पेन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। एनसिल का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उद्योग की बढ़ावा देना है, यानी कि किसी तरीके से एक ऐसा बिजनेस इन्वायरमेंट डेवलप करना है जिसके जरिए अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा मिल सके भारत के अंदर भी, क्योंकि अमेरिका और चीन ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं। बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि आगामी समय में भारत के निजी क्षेत्र भारत के अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया था कि सरकार इसरो की सुविधाओं को निजी क्षेत्र के साथ साझा करने पर विचार कर रही है, लेकिन इसके कुछ जोखिम भी हैं। पहला जोखिम यह हो सकता है कि डेटा संबंधी जोखिम हो, निजी क्षेत्र को ऊपर उतना ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता जितना इसरो के ऊपर कर सकते हैं, तो इससे जो जुड़े हुए डेटा हैं उनके लीक होने के चांसेस हैं। इसके अलावा विनियमन को चुनौती है कि किस तरीके से आप निजी क्षेत्र के ऊपर विनियमन करेंगे, अगर आप उनके ऊपर नियमन लगाएंगे तो हो सकता है कि आप उनकी भागीदारी जितना सुनिश्चित करना चाहते हैं उतना ना कर पाए। इसके अलावा राजस्व का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि फिर सरकार को यह लगने लगेगा कि ये इसरो को प्रोडक्ट नहीं देते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट इसरो को नहीं देते हैं, वो किसी और को दे देते हैं, तो इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान भी हो सकता है। अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं को भी बढ़ावा मिल सकता है। ये सारे के सारे ऐसे डर हैं जो यहां पर हो सकते हैं। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। म्यांमार में गैस ब्लॉक के अनुसंधान पर 990 करोड़ रुपए के निवेश का निर्णय लिया गया है और यह निर्णय ONGC ने लिया है। ONGC ने म्यांमार में गैस के दो ब्लॉक के अनुसंधान और विकास के लिए 990 करोड़ रुपए का निवेश का निर्णय लिया है। भारत की लुक ईस्ट यानी कि भारत के पूर्व की ओर देखो नीति, पूर्व की ओर देखो नीति का मतलब यह है कि भारत दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो है, अपने से दक्षिण पूर्व स्थित जो देश है उनसे अपने व्यापारिक, आंतरिक और राजनीतिक संबंध को बढ़ाएगा, ताकि चीन के प्रति, जो चीन अपना साम्राज्यवादी विस्तार कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं रोक आए और संतुलन आए। हालांकि चीन जो है भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का बहुत विरोध करता है। जिस तरीके से हम लुक ईस्ट पॉलिसी लेते हैं उसी तरीके से थाईलैंड ने लुक वेस्ट पॉलिसी ली है, यानी कि थाईलैंड अपने पश्चिम के देशों की ओर देख रहा है और इसका फायदा हमें यह हुआ है कि
पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमने दक्षिण एशियाई देशों के साथ अच्छा खासा व्यापार डेवलप किया है और अच्छा खासा संबंध डेवलप किया है, जिसकी वजह से दक्षिण चीन सागर में भी हमारी स्थिति जो है वो समृद्ध हुई है। तो फिलहाल लुक ईस्ट नीति के तहत ONGC इन्वेस्ट करने जा रही है म्यांमार में। म्यांमार बहुत पुराना देश है, इसे कभी वर्मा कहा जाता था। वर्मा इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहां पे वर्मी जाति के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा है। म्यांमार की बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो है न्यापिडा, जबकि मुद्रा यहां पे क्या चलती है, विन मिंत अभी कुछ समय पहले भारत आए थे, विन मिंत जो कि म्यांमार के राष्ट्रपति हैं। ONGC की बात करें तो ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको 23 जून 1993 से प्रारंभ हुई थी और ये भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है। इसे फॉर्च्यून ग्लोबल 500 द्वारा 335वां स्थान इस बार प्राप्त हुआ था, यानी कि ये विश्व में अग्रणी कंपनियों में 335वें स्थान पर आती है। इस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा सन 2010 में प्राप्त हुआ था। वर्तमान समय में इसका जो मुख्यालय है वो बसंत कुछ नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। CEO इस समय शशि शंकर जी, यानी कि इसके जो हेड है वो शशि शंकर जी है, जबकि इसकी पूरी तरह से मालिकाना हक जो है वो भारत सरकार के पास है। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। कंपनी के रूप में ये प्रारंभ हुई है 1993 में। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी जो है, पाकिस्तान को FATF ने फिर से कहा है कि बेटा तुम अभी ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रहो, क्योंकि तुमने अभी तक हमको ऐसा कोई सबूत नहीं दिया है कि आप आतंकवाद का वित्त पोषण नहीं कर रहे हैं। FATF ने काफी समय से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। जो भी ग्रे लिस्ट में बरकरार रहते हैं उन देशों को वैश्विक जो भी फाइनेंशियल वित्तीय संस्थान है उनसे लोन लेने में, ऋण लेने में या उनसे मुद्रा प्राप्त करने में उनको काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। FATF की बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो गठन था वो इसलिए किया गया था कि आतंकवाद को वित्त पोषण ना किया जा सके और धन की कालाबाजारी रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। न्यूज पढ़ते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वर्चुअल बैठक हुई 21 और 24 जून के दौरान। इस बैठक की अध्यक्षता चीन ने की थी और फिर भी वो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल पाया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चीन अक्सर भारत से प्रतिद्वंदिता रखता है जबकि पाकिस्तान से दोस्ती रखता है। बैठक में FATF ने एक बार फिर पाकिस्तान को संदिग्ध देशों की सूची में रखने का निर्णय लिया है। लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी समूहों के आर्थिक स्रोतों को समाप्त करने में पाकिस्तान की नाकामी को देखते हुए संस्था ने यह फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अब पाकिस्तान को अक्टूबर 2020 में होने वाली FATF की अगली बैठक तक निगरानी सूची में रहना होगा और देखना होगा कि इसके बीच में वो ऐसा कुछ कर सकता है, ऐसा कोई सबूत जुटा सकता है जो अपने आप को पाक साफ कर सके कि नहीं भैया हम आतंकवाद को वित्त पोषण यानी कि धन नहीं दे रहे हैं। FATF की बात करें तो वित्तीय कार्रवाई दल, इसका मुख्यालय आपको पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा। जियांग मिन लियू वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं। वित्तीय कार्रवाई कार्यदल एक अंतर सरकारी संस्था है जो काले धन को वैध बनाने से रोकने के लिए संबंधित नीतियां बनाती है। सन 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और 2001 में इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया और फिर तब इसने आतंकवाद के खिलाफ धन मुहैया कराने वाले देशों के ऊपर नकेल करना शुरू कर दिया। FATF जिस भी संस्था को, जिस भी देश को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट कर देता है उसको पूरा विश्व उसी लिस्ट में मानता है, यानी इसके ऊपर भरोसा किया जाता है। तो ऐसे में ग्रे लिस्ट से बाहर आना पाकिस्तान के लिए जरूरी है अगर उसे अपनी अर्थव्यवस्था संभालनी है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। मेलबर्न क्रिकेट से 233 सालों में ऐसा पहली बार होने वाला है कि एक महिला जिनका नाम है क्लेयर कोनर जो MCC की अध्यक्ष बनने जा रही हैं। इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान क्लेयर कोनर मैरी मेलबर्न यहां पर होना चाहिए क्रिकेट क्लब के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है। पहले गैर ब्रिटिश MCC अध्यक्ष, इससे पहले सबसे पहले कोई बिना कोई मतलब जो गैर ब्रिटिश MCC अध्यक्ष थे वो कुमार संकारा ने कॉनर को इस पद के लिए नॉमिनेट किया है। कॉनर वर्तमान में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के में महिला क्रिकेट के प्रमुख पद पर कार्य कर रही हैं। आमतौर पर MCC के अध्यक्ष अपने पद पर एक वर्ष तक बने रहते हैं, लेकिन संकारा के कार्यकाल को कोरोना वायरस महामारी के चलते 12 महीनों के लिए और आगे बढ़ाया गया था। वर्ष 1998 से अब तक MCC जिसके पास लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का स्वामित्व है ने महिलाओं को सदस्य बनने की अनुमति देने के लिए मतदान नहीं किया था, यानी कि किसी भी महिला को अभी तक मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष नहीं बनाया। मैं माफी चाहूंगा, मैंने मेलबर्न बोला था, मैरी ली बोन ये इंग्लैंड का क्लब है और इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनेगी क्लेयर कोनर। अभी तक कुमार संकारा इसकी अध्यक्षता निभा रहे थे। अगली जानकारी है, हिमाचल प्रदेश ने जीत लिया है ई पंचायत पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश
राज्य ने पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राज्य की इन सभी 3,226 पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा होने के कारण और वहां के लोग विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर पा रहे हैं। इन पंचायतों में परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु और विवाह के पंजीकरण जैसी विभिन्न सेवाएं भी ऑनलाइन पंजीकृत हैं और इसी वजह से इसको सर्वश्रेष्ठ ई पंचायत का पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से ग्राम पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने का प्रयास कर रहा है। ई पंचायत पुरस्कार उन राज्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पंचायतों के कार्यों की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया है, यानी उन्होंने अपने पंचायतों का जो भी कार्य प्रणाली है उसके अंदर IT यानी कि इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीजों को वहां पर समावेशन किया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से अभी जुड़ी हुई एक कुछ न्यूज है, उनको देख लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, हिंदी में कवर पहले इंग्लिश में कवर करते हैं। शहरी रोजगार गारंटी योजना अभी हाल ही में एक घोषणा हुई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने इसकी घोषणा की थी कि COVID-19 के दौरान 120 दिन का रोजगार जो है वो मुहैया कराया जाएगा और इसके लिए उन्होंने स्वरोजगार गारंटी योजना शुरू की थी। 34वां सूरज कुंड मेला जो कि हरियाणा में होता है, इसका इस बार थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश था जबकि पार्टनर कंट्री उज्बेकिस्तान था। सूरज कुंड मेला ये क्राफ्ट मेला है। लोसर फेस्टिवल का संबंध भी हिमाचल प्रदेश से है और इसे धर्मशाला में मनाया गया। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट है जिसने 100% LPG कवरेज को अचीव किया है। सिर्फ और सिर्फ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ही नहीं, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना नाम से एक योजना चलाई थी जिसके जरिए गृहिणी को सिलेंडर प्रदान किए गए थे और इस तरीके से उन्होंने 100% यानी हिमाचल प्रदेश के सभी घरों में आपको सिलेंडर देखने को मिलेंगे। ट्रेडिशनल फगली फेस्टिवल जो है ये हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है जो हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो अगर कभी ऐसा पूछा जाए कि फगली त्यौहार कहां का है तो हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा। रोहतांग पास जिसका नाम बदल दिया गया अटल टनल, ये आपका कुल्लू से लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है, ये भी आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। कैपिटल शिमला है, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर है। नेशनल पार्क की बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क, सिम्बा बारा नेशनल पार्क ये आपको नेशनल पार्क के तौर पर देखने को मिलेंगे। भाखड़ा डैम, पंडो डैम, नाथपा झाकरी डैम और चमेरा डैम यानी कि जो बांध है भाखड़ा डैम जिसमें से विश्व प्रसिद्ध बांध है सतलुज नदी पर बना हुआ है, 15 अप्रैल को इसको स्टेटहुड डे मनाते हैं यानी कि स्थापना दिवस मनाते हैं। स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ, स्टेट बर्ड हिमालय मोनल और स्टेट ट्री यानी कि जो वृक्ष है राजकीय वृक्ष वो देवदार का वृक्ष है। कोटगढ़ है, इसे हिमाचल प्रदेश का एप्पल बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि यहां सबसे ज्यादा एप्पल की पैदावार होती है, सेब की पैदावार होती है। स्टेट फ्लावर पिंक रोहड्रेन और स्टेट गेम यानी कि राजकीय खेल जो है वो वॉलीबॉल है। हिमाचल प्रदेश में वॉलीबॉल ज्यादा खेला जाता है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। हर्षवर्धन जी ने एक ऐप लॉन्च किया है, ई ब्लड सर्विस ऐप। मुझे ये ऐप काफी अच्छा लगा और इस तरह के ऐप की एक बहुत ज्यादा आवश्यकता भी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन हमें वो अपने शहर में नहीं मिलता या कहीं हमें ये नहीं पता चलता कि वो ब्लड ग्रुप हमें कहां पे मिलेगा, तो ऐसे में ये ई ब्लड ग्रुप ऐप आया है, ब्लड सर्विस ऐप आया। इसमें आप अपने ब्लड ग्रुप को रजिस्टर कर सकते हैं और जब भी आपको कभी कोई ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ेगी तो आप इसमें जाकर अपनी रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं और जिसको कई सारे लोग जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड किया होगा उनको ये दिखाई दे जाएगा और एक तरह से ये पता चल जाएगा कि किसको कब किस ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया, ये बढ़िया बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन जी ने इसको लॉन्च किया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग CDEC ने इसको डेवलप किया है, CDEC ने इसको डेवलप किया है डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत। ई ब्लड सर्विस एप्लीकेशन के जरिए कोई भी एक साथ 4 यूनिट खून की मांग कर सकता है जिसे ब्लड बैंक वापस लेने के लिए 12 घंटे तक इंतजार करेगा। यानी कि अगर आपको किसी ब्लड बैंक में 4 यूनिट खून की जरूरत है तो कम से कम 4 यूनिट तक आप इससे मांग सकते हैं और इसके बाद आपको वो रिटर्न भी करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको ए ब्लड ग्रुप चाहिए तो आपको अपना वाला देना ही पड़ेगा, तो वो उसके लिए 12 घंटे का वेट ये करेगा। ये एप्लीकेशन किसी भी व्यक्ति को ऐप के माध्यम से ब्लड लेने के अनुरोध में सक्षम बनाएगा और उसकी आवश्यक इकाइयां अपने ई रक्त कोष यानी कि ई ब्लड डैशबोर्ड में IRCS और NHQ ब्लड बैंक में भी दिखाई देंगी या निर्धारित समय के अंदर ब्लड की डिलीवरी भी सुनिश्चित करेगा। तो ई ब्लड सर्विस ऐप किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री हर्षवर्धन जी ने। अगली जानकारी है, पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड नाम से एक नया फंड डेवलप किया गया है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इसकी बात आपका जो 20 लाख करोड़ का पैकेज लॉन्च किया गया था उसी में उसी का ये एक हिस्सा है।
जनता बैंक की सरकार द्वारा गठित यह फंड कोविड 19 वायरस की रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद करने के उद्देश्य से मई माह में घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। ऐसा उन्होंने क्यों किया है, देखा जाता है तो कि पशुओं से भी कई सारे रोजगार जुड़े हुए हैं, जैसे कि डेयरी उद्योग, आपका मांस उद्योग और आपका चारा उद्योग, तो ये सारा का सारा पशुओं से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में इस सेक्टर में भी फंड डालना जरूरी है, जिससे नए उद्योग जनरेट हो, नए रोजगार जनरेट हो। और सरकार की जो उम्मीद है कि इससे काफी सारा रोजगार जनरेट होगा, लगभग 35 लाख रोजगार जनरेट होने की बात की जा रही है। यहां पर आधिकारिक सूचना के अनुसार ऋण चुकाने के लिए यह ऋण के तौर पर मिलेगा, यह मतलब यह प्रोत्साहन पैकेज नहीं होगा कि आपको मिल गया और आपने इसको हजम कर लिया, ऋण के तौर पर मिलेगा, लेकिन आपको 2 वर्ष की अवकाश अवधि रहेगी। अभी आपने लिया तो 2 साल तक आपको कोई ऋण नहीं चुकाना है और उसके बाद 6 साल में आपको ऋण वापस करना होगा। तो पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड कितना रुपया, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में कितना रुपया जा रहा है, 15,000 करोड़ रुपया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व के सर्वकालिक पिछले 50 सालों में सबसे बेहतरीन क्रिकेटर कौन हुआ है, तो आप सभी के मुंह से एक ही नाम निकलेगा, सचिन तेंदुलकर। लेकिन विजडन ऐसा नहीं मानती, विजडन मानती है कि राहुल द्रविड़ जो हैं वो सचिन तेंदुलकर से ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और वो ऐसा क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपनी पारी को फिनिश किया है और जिस तरीके से वो खेलते थे, जिस तरीके से उनके पास टेक्निक थी, उसको देखकर जब वोटिंग कराई गई तो कम से कम 52% लोगों ने जो वोट किया वो राहुल द्रविड़ के लिए किया, जबकि 48% लोगों ने सचिन तेंदुलकर के बारे में वोट किया है। तो विजडन इंडिया के एक सर्वे ने सचिन तेंदुलकर नहीं बल्कि राहुल द्रविड़ को भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सबसे बल्लेबाज चुना गया है। इस सर्वे में कुल 11,400 क्रिकेट फैंस ने हिस्सा लिया था, इनमें से 52% लोगों ने राहुल द्रविड़ के पक्ष में वोट किया, जब वहीं तेंदुलकर को 48% लोगों का वोट मिला। राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के बाद तीसरा नंबर सुनील गावस्कर का था, जबकि विराट कोहली को 4th स्थान से संतोष करना पड़ा है। अगली जानकारी है, छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है गोधन न्याय योजना, और जैसे ही यह योजना की खबर आई कांग्रेस और बीजेपी में वॉर शुरू हो गया। वॉर किस तरीके से शुरू हो गया कि एक कह रहे हैं कि हम गोधन यानी कि गोबर को राजकीय प्रतीक बनाएंगे, तो दूसरी तरफ से जवाब आता है कि अपने दिमाग में जो बचा भरा हुआ गोबर है उसको भी बेच के पैसे कमा लो। तो हाल फिलहाल ये योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। मुद्दा यह है कि सरकार क्या चाहती है, मोटिव है कि छत्तीसगढ़ में पशु चराई की व्यवस्था है, मतलब वहां बकायदा चारा नहीं डाला जाता, आपने दूध दुआ और फिर अपनी गायों को छोड़ दिया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता है। कभी कभी जो मवेशी हैं उनका सड़क पर दुर्घटना हो जाती है, उसके साथ साथ वो जब चराई के लिए जाते हैं तो खेतों और फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए ये गोधन योजना आई है, जिसमें सरकार एक कमेटी गठित करेगी और वो ये डिसाइड करेगी कि किस रेट पे गोबर खरीदा जाएगा। अब उस गोबर का करेंगे क्या, उसका वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे यानी खाद बनाएंगे। और ये भी योजना हो रही है कि गोमूत्र को भी खरीदा जा सकता है और फिर उसको भी कहां इस्तेमाल करेंगे, खेतों में जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से गोबर कितने में खरीदा जाएगा, कितना रुपया दिया जाएगा, इस तरीके से एक छोटा सा उद्योग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जो गोधन का सही यूज करेगा। इसीलिए इसको कहा गया है गोधन न्याय योजना, यानी कि गोबर का है जो उसको न्याय के साथ। अब जब आदमी देखेगा कि नहीं गोबर के भी पैसे मिल रहे हैं, तो वो अपने मवेशी को इधर उधर नहीं छोड़ेगा, वो अपने पास बांध के रखेगा, सारा का सारा जो गोबर है वो इकट्ठा करेगा अपने पास। तो हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार ने 25 जून 2020 में राज्य में गौ पालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के लिए गोधन योजना शुरू करने का फैसला किया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके हैं भूपेश बघेल, और इस योजना का शुरुआत राज्य में हरेली पर्व के शुभ दिन पर होगा। हरेली छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख त्यौहार है और जिसे फसल की शुरुआत होने के तौर पर माना जाता है। ये कृषि से जुड़ा त्यौहार है और जिसे हरियाली के नाम से भी जाना जाता है, इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है। इसे छत्तीसगढ़ में प्रथम त्यौहार के रूप में माना जाता है। पशुपालकों से गोबर क्रय करने के लिए दर भी निर्धारित की जाएगी और इसके लिए बकायदा कमेटी वगैरह भी गठित की गई है। अगली जानकारी तब चलते हैं, अगली जानकारी है सांसद जो है इसकी शुरुआत 2010 में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने की थी कि भाई कहीं देखा गया कि कई सांसद ऐसे हैं जो बहुत काम करते हैं, आते हैं हर बार संसद का पूरा सत्र अटेंड करते हैं, वहां पे अटेंडेंस लगाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कभी नहीं आते, सैलरी वो भी फुल पाते हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन योजना होनी चाहिए कि भाई एक आदमी काम कर रहा है, एक नहीं काम कर रहा, सैलरी बराबर मिले, तो प्रोत्साहन योजना करने के लिए एक विचार किया कि एक सांसद रत्न अवार्ड भी होना चाहिए जो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे में सुप्रिया सुले
का नाम काफी ऊपर आता है, महाराष्ट्र की बारामती से सांसद है, शरद पवार जी की पुत्री है, जिनको इस बार 16वीं लोकसभा के लिए, ध्यान रखिएगा 17वीं लोकसभा अभी चल रही है, 16वीं लोकसभा जो अभी पिछली गई है उसके लिए महारत्न अवार्ड के लिए चुना गया है। इनके अलावा दो राज्यसभा से भी सांसद चुने गए हैं, तो कांग्रेस की छाया वर्मा को सांसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है, दो राज्यसभा सदस्यों तथा 8 लोकसभा सदस्यों को 17वीं लोकसभा के प्रथम वर्ष के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के तहत संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब आपके दिमाग में यह आ रहा हो संसद रत्न पुरस्कार जो है सरकार देती है, जी नहीं, ये एक प्राइवेट कंपनी देती है, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन करके एक ग्रुप है, वो पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव के बाद 2010 से संसद रत्न पुरस्कार के साथ लोकसभा में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित कर रहा है। राज्यसभा में ये इसी साल शुरू हुआ है। संसद रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित सांसदों में राज्यसभा सांसद सदस्य छाया वर्मा, विशंबर प्रसाद निषाद तथा लोकसभा सदस्य में सुप्रिया सुले, सुभाष रामराव भामरे, हीना गावित, अमोल राज सिंगे, शशि थरूर, निशिकांत दुबे, अजय मिश्रा और राम मोहन नायडू हैं। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के अनुसार भारतहरि महताब, सुप्रिया सुले और श्रीरंग अप्पा बोर्ने को 16वीं लोकसभा के लिए सांसद महारत्न पुरस्कार दिया जाएगा। सांसद महारत्न पुरस्कार 5 साल में एक बार दिया जाता है, जबकि सांसद रत्न पुरस्कार हर साल दिया जाता है। अगली जानकारी तो चलते हैं, त्रिपुरा ने एक लॉन्च की है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। इसी तरह की एक योजना है सुपोषित मां योजना, वो आपके 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला जी, कोटा राजस्थान से सांसद हैं, वहां पर उन्होंने शुरू की थी ताकि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इन गर्भधारण के दौरान, ये जो महीने होते हैं उनके दौरान सुपोषित भोजन प्राप्त हो सके। ऐसी ही सेम योजना यहां पर त्रिपुरा सरकार ने भी लॉन्च की है। त्रिपुरा सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना लॉन्च की है, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना उपहार योजना। इसका योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना है ताकि शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषण की दर को कम किया जा सके। इस योजना से राज्य की 40,000 महिलाओं को लाभ मिलने की योजना है। मातृ पुष्टि उपहार योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 4 बार गर्भवती महिलाओं का परीक्षण किया जाएगा और प्रत्येक परीक्षण के बाद एक पोषण किट दी जाएगी जिसमें मूंगफली, सोयाबीन, मिश्रित दाल, गुड़ जैसी खाद्य सामग्री और किराने और घी आपूर्ति शामिल रहेगी। त्रिपुरा की बात करें तो जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये है विप्लव कुमार देव, वर्तमान समय में वहां पर मुख्यमंत्री हैं, जबकि आपके रमेश बैस जो है वो राज्यपाल के तौर पर काम कर रहे हैं। नीति आयोग ने एक कैंपेन शुरू किया है, एक अभियान शुरू किया है, उसका नाम रखा गया नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल जो अभियान है, इसका सीधा सा मकसद यह है कि जो लोग भी कोरोना वायरस के दौरान भी अपना व्यवहार नहीं बदल रहे हैं, मतलब कि हाथ नहीं धो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो उनके बारे में उनको जागरूक किया जाए। 2 तरीके हैं जागरूक करने के, एक वेब पोर्टल के माध्यम से यह अभियान चलाया जाएगा और दूसरा मीडिया के माध्यम से यह अभियान चलाया जाएगा। और ये अभियान शुरू किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग के वर्तमान समय में उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, जबकि आपके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो है अमिताभ कांत, जबकि अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग की जगह इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। अनलॉक के इस चरण में 4 पॉइंट पर ध्यान दिया जाएगा, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज दूरी बनाए रखें, हाथ को साफ रखें और सार्वजनिक स्थान पर थूकना मना रहेगा। तो 4 चीजों को ये लेकर एक अभियान शुरू किया गया है, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान किसने शुरू किया है, नीति आयोग ने। अगली जानकारी तरफ चलें तो बेंगलोर एयरपोर्ट, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन करता है, अपने नए रनवे के दोनों छोर पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। दृष्टि नाम का हमारे पास एक नेविगेशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम NAL ने डेवलप किया है। NAL ये CSIR की एक शाखा है, CSIR की एक आप समझ लीजिए वित्तीय शाखा है, जैसे हमारी इसरो की NCL हो गई, ये हो गई NAL, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, जो देश की पहली एरोस्पेस लेबोरेटरीज है। इसके अतिरिक्त BIL ने 4 दृष्टि ट्रांसमीटरों को भी स्थापित किया है, जिन्हें NAL द्वारा लाइव रनवे विजिबिलिटी रेंज के लिए भारतीय मौसम विज्ञान के साथ, मौसम विभाग के साथ मिलकर अलग से विकसित किया गया था। तो बेंगलोर बना है पहला एयरपोर्ट जिसके दोनों रनवे पर भारत द्वारा बनाया गया वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है। वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम समझते हैं, मतलब आसमान कैसा रहने वाला है, बारिश कैसे होने वाली कि नहीं वाली, मौसम कैसा रहेगा, इसका हालचाल मिलता रहेगा। लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 टाइटल जीत लिया है।
लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 टाइटल जीता है और फुटबॉल क्लब ने ये पहला इंग्लिश टॉप टाइटल है जो पिछले 30 साल में जीता है। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीत ली है, बहुत फेमस फुटबॉल लीग है ये, किसने जीती है, ये इस बार लिवरपूल ने जीती है। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की, तेजी से करते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन सा बना, ये न्यूज आप वन लाइनर में ही पढ़ लो क्योंकि मुझे नहीं लग रहा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि फाओ ने बताया है कि ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों का अभी आक्रमण हुआ था ना, कई सारे राज्यों में होके गई, लाखों टिड्डियां मारी भी गई, तो ड्रोन के जरिए इसको संभालने वाला जो देश पहला देश है वो भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने कितने करोड़ रुपए से पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड यानी कि AHIDF की स्थापना को मंजूरी दी है, तो 15,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सभी शिशु ऋण खातों पर 12 महीने की अवधि के लिए कितने प्रतिशत ब्याज में सब्सिडी देने की बात की है, तो 2% सब्सिडी प्राप्त होगी। शिशु लोन कितने का होता है, 50,000 रुपए तक। 50 लाख से कम आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य है, तो त्रिपुरा और नागालैंड, जबकि 50 लाख से अधिक आबादी वाले में कौन है, गुजरात और आंध्र प्रदेश। अंतरिक्ष गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई है, तो यह स्थापना की गई है इन स्पेस की, प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में। भारत ने किस कहां पर गैस के 2 ब्लॉक अनुसंधान और विकास के लिए 990 करोड़ रुपए का निवेश का निर्णय लिया है, तो म्यांमार में ONGC इन्वेस्ट करेगी। बैठक में FATF ने एक बार फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का निर्णय लिया। मैरी ले बोन क्रिकेट क्लब के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है, क्लेयर कोनोर। किस राज्य की राज्य पंचायती विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता है, तो वह हिमाचल प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने ई ब्लड सर्विस नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, यह किसका है, यह IRCS का है। संसद महारत्न अवार्ड 16वीं लोकसभा के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा, सुप्रिया सुले को। और किस राज्य ने एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो वो है त्रिपुरा सरकार। और IRCS का मतलब होता है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, याद रखिएगा, ये उस टाइम बताना भूल गया, अभी याद आया। संसद महारत्न अवार्ड 16वीं लोकसभा के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा, तो वो है सुप्रिया सुले जी को। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा टिड्डी दल को नियंत्रित करने वाला पहला देश ड्रोन के जरिए कौन रहा, इंडिया। खाद्य और अगेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने कितने करोड़ रुपए पशुपालन बुनियादी ढांचा बनाने के लिए, बुनियादी ढांचा फंड बनाने के लिए दिया है, 15,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सभी शिशु ऋण खातों पर 12 माह की अवधि के लिए कितने प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने पर बात की है, तो 2%। 50 लाख से कम आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में वार्षिक टीवी रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य है, तो वो है त्रिपुरा और नागालैंड थे, तो नागालैंड इसमें सही आंसर हो जाएगा। मैं त्रिपुरा ढूंढ रहा था, नहीं मिला। अंतरिक्ष गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके स्थापना पर मंजूरी दी है, तो इन स्पेस के स्थापना पर मंजूरी दी है। भारत ने कहां पर यानी किस देश में 990 करोड़ रुपए का निर्णय इन्वेस्टमेंट का निर्णय लिया है, तो भारत जो है वो म्यांमार में तेल ब्लॉक पर यानी कि 2 ब्लॉक पर, गैस के 2 ब्लॉक पर 990 करोड़ रुपए का निवेश करेगा ONGC के माध्यम से। बैठक में FATF ने एक बार फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का निर्णय लिया है। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब 233 सालों में इतिहास में पहली अध्यक्ष बनी है, अध्यक्ष बनने वाली महिला कौन सी है, वो उनका नाम है क्लेयर कोनोर, कुमार संकारा की जगह लेंगी। किस राज्य की राज्य पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार जीता है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, किसकी सहायता से, किसका है वो है IRCS यानी कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा इस ऐप को डेवलप किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करता हूं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।